ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस हम कुछ बैकग्राउंड पीजीज का यूज करेंगे, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो आप लोग जो इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस, आप सभी को अभी क्या करना है, आप सभी को जाना ऐड फोटो मैन का, जहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल का पीएनजी। एंड गाइस, यहाँ पे जो मैंने मॉडल का पीएनजी बैकग्राउंड जो मतलब बैकग्राउंड मैंने पहले सीरीज कर रखा है, जिसको नहीं आता नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर वो देख लेना। तो बाकी आप बढ़ते हैं वीडियो पे। तो गाइस, जब आप यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस आपको जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो स्टेप्स दिख रहेगा जिसके ऊपर आपको जो है अपने मॉडल को बैठाना है, ठीक है, तो उसके ऊपर बैठा देते हैं कुछ स्टेप से। एंड गाइस, जब आप इसको यहाँ पे बैठा दोगे तो गाइस आपको फिर इसके बाद क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, एंड आपको यहाँ पे एक मिलेगा बैकग्राउंड का ऑप्शन, आपको उसमें जाना है, यहाँ से आपको लेना है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे कर देना है इसको ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है रेजर टूल में, एंड इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको यहाँ पे इसका साइज छोटा करना है, एंड फोटो को जूम करना है, एंड फोटो को जूम करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी पैरों के नीचे एंड जहाँ जहाँ पे आपको शैडो चाहिए वहाँ पे आपको शैडो क्रिएट करनी है। एंड गाइस, शैडो जो है मतलब कई लोग जो है मतलब ड्रो टूल से बनाते हैं, ऑटो टेक्स्ट का बुक से बनाते हैं, तो गाइस आप लोग चाहो जहाँ मर्जी से शैडो बनाना चाहो वहाँ से बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे बनाओ, आपके ऊपर है गाइस, अगर आप ऐसे चाहते हो तो ऐसे बनाओ, जैसे चाहते हो वैसे बनाओ, तो आप बना लेना, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, आप सभी को इसको मूव डाउन कर देना सिंपली, एंड इसकी जो ओपेसिटी है वो कर देना कम, ठीक है। ओपेसिटी कम रखनी क्योंकि वो जो शेडो की जो लेंथ होती है वो कम ही होती है ना, तो इसको हम यहाँ पर कम रखेंगे। एंड इसके बाद क्या करेंगे, अब गाइस यहाँ से एक बार और जाएंगे यहाँ पर ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाके हम वही सेम ऑप्शन हम बैकग्राउंड में जाएंगे, एंड ऐसे ब्लैक कलर का ये जो बैकग्राउंड है इसको ऐड करेंगे, एंड ऐसा ऐड कर लेंगे। एंड गाइस, इसको हमने ऐड इसलिए किया गाइस क्योंकि अभी जो है हमें मतलब अपने मॉडल के पीछे की तरफ भी हल्की हल्की शेडो चाहिए ना, क्योंकि गाइस बैठा हुआ है थोड़ा शेडो तो हो गई हल्की फुल्की, तो हम इसको सिंपली मूव बैक कर देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर इन्वर्ट करके ब्रश लेते हैं, ब्रश ले लेते हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पर फोटो को जूम करते हैं, जो पीछे की साइड में जो हम यहाँ पर शेडो बना लेते हैं हल्की हल्की। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी इतनी शेडो बन गई है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे डन करते हैं, एंड इसके बाद जो इसकी जो ओपेसिटी है हम इसको भी कम रखेंगे, ठीक है, हल्के हल्के इतना अराउंड 42 तक, एंड इसको यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं हम डन, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, अब इसको हम डन कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना, आपका आपको गाइस जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आपको एक विगनेट का पीएनजी, ठीक है। मतलब विगनेट का जो पीएनजी ना गाइस, जिसको मतलब आपको लगाना गाइस काफ़ी अच्छी फोटो में एक लुक आती है इससे, तो उसको ऐड कर लेना, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद जब हम इसे ऐड करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस टाइप से, और एंड गाइस आप देख सकते हैं तो मतलब कि एकदम फोटो मतलब देखो एकदम नीचे डार्कनेस से आ गया, तो गाइस फोटो जो है हमारी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब तो अब क्या करते हैं, इसे डन कर लेते हैं, एंड इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, ठीक है, तो यार रिटच करना बहुत जरूरी है, तो उसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। तो अब चलते हैं लाइट रूम में। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है लाइट रूम में, जो लाइट वाला ऑप्शन है आपको उसको यहाँ पे जाना है, एंड इसका जिसका कॉन्ट्रास्ट कम करना है, हाईलाइट जो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना हल्का सा, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो शेडो है इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा माइनस की तरफ रख लेना है, ठीक है, हल्का सा, एंड जो व्हाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना, एंड जो ब्लैक है यहाँ पे ब्लैक को भी थोड़ा सा पे माइनस कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना है, आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में टेम्परेचर इसको हल्का सा कम कर देना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन जो है इसको यहाँ पे माइनस कर देना है, जो ल्यूमिनस इसको यहाँ पे बढ़ा देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे येलो कलर में, ठीक है, जैसे कि येलो कलर है नहीं फोटो में, बट हमारा फेस के लिए हम जो इसका ह्यू माइनस करेंगे, एंड इसको जाएंगे डार्क ब्लू में, हम इसके यहाँ पे थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस करेंगे, एंड अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो बिल्कुल माइनस कर देना, अगर हल्का फुल्का नहीं चाहिए होगा तो मतलब अपने हिसाब से सैचुरेशन माइनस कर लेना। फिर उसके बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, एंड फोटो में जो विगनेट है वो डालना है, ठीक है, फोटो में विगनेट जरूर डालना है क्योंकि यार फोटो तो हमारी मतलब देखिए डार्क बनाई तो विगनेट जरूर डालना। फिर आप एक ग्रेड माउंट जो आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके बाद जाना आपको ऐसे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, एंड यहाँ पर फोटो में नोट रिडक्शन डाल देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।